अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू मिस्टर देसी चैनल दोस्तों आज फिर एक बहुत ही ज़बरदस्त और जनान किस्म का टोटका खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ जिस बंदे ने आज ये टी पी ली ये आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ें बताने लगा हूँ ऐसा एक कहवा बताने लगा हूँ जिस मर्द ने पी लिया वो यकीन जाने अगर वो 25 साल का है तो अपनी गलतियों की वजह से 60 साल का हो गया या फिर 60 साल का है तो वो 25 साल वाली जवानी पाना चाहता है और इतनी ताकत कुत में इजाफा करना चाहता है कि वो कभी ज़िंदगी में ना मर्द ना हो और कुत मर्दंगी में ऐसा ज़्यादा इजाफ़ा होता रहे कि वो कभी भी कमज़ोर ना पड़े चाहे वो एक शादी हो दो हो या तीन हो या चार हो जितनी मर्जी हो कोई मसला नहीं है आज एक ऐसा टोटका बताने जा रहे हैं

अल्लाह ने तुरान मजीद फुरान हमीद के अंदर इंजीर की कसम खाई है और इसके बेशुमार फायदे हैं जैसे कि कैंसर से बचाता है दिल के आर्जे से बचाता है कोलेस्ट्रोल कम करता है शुगर के मरीजों के लिए नहाय मुफीद चीज़ है लेकिन शुगर के मरीज जो है वो इसको मशवरे के साथ इस्तेमाल करें तो बेहतर है हाई ब्लड प्रेशर को रोकता है हड्डियों को मजबूत बनाता है इसके अलावा भी इसको इसके अंदर ऐसे फ़वाद हैं इसको जन्नत का फल भी कहा जाता है और जो कमज़ोर और दुबले पतले जो अफराद होते हैं उनके लिए बेशबहार नेमत है किसी नेमत से कम नहीं है माहिर तिब का कहना है कि रोजाना इंजीर खाने से मोटापा भी काबू में आ जाता है तो दोस्तों इसके ये इतने कमाल के फायदे उसके बाद जो नंबर आता है वो है किशमिश का किशमिश कब से निजात दिलाती है मैदे की तजाबीत ख़त्म करती है बुखार से तहफ़ फराम करती है खून की कमी दूर करती है आँखों की सेहत बेहतर बनाती है ब्लड प्रेशर को नार्मल रखती है और हड्डियों को मज़बूत बनाती है ये इसके मोटे फ़ायदे हैं जो कि आपको डिटेल के साथ तो नहीं बताते मतलब इस तरीके के साथ बताया जाएगा इसके अलावा भी अगर आप काली कश्मिश इस्तेमाल करते हैं तो वो भी बड़े फ़ायदेमंद हैं उसके भी बहुत सारे फ़ायदे हैं अगर आपकी नज़र कमज़ोर है तो काली कश्मिश आपका यह मसला हल कर सकती है और रोज़ाना आप काली किशमिश जो है वो तीन से चार दाने नहार इस्तेमाल करें जिससे आपकी नजर बहुत ज्यादा तेज हो जाएगी जिन लोगों को ऐनक वगैरह लगी हुई है उनके लिए बड़ी मुफीद चीज है और उसके अलावा भूख बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती है और बच्चों की ذہنی जो ज़हनी काबिलियत है उसको बढ़ाने के लिए किशमिश बड़ी फायदेमंद होती है तो इसका ये जो है वो इसके तीन चार बड़े फायदे होते हैं अब आपने क्या करना है कि किशमिश को सबसे पहले आपने पानी में भिगो लेना है देखें एक चम्मच मैंने किशमिश की यहाँ पर भिगोई है क्योंकि मैं ये ख़ुद इस्तेमाल करता हूँ नुस्खा जात जो बनाता हूँ मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ मैंने तो एक बड़ी चम्मच जो है वो किशमिश की भरकर पानी के अंदर डाल दी है और इसका पानी भी बहुत फ़ायदेमंद है वो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ किस तरीके के साथ आपने पीना है आपने किशमिश को पानी में भिगो कर रख देना है और उसके अंदर आपने जो इंजीर ली होगी वो भी आपने उसके अंदर भिगो कर रख देनी है किशमिश को जब आप पानी में भिगो करना चौबीस घंटे के लिए रखेंगे ना तो इस तरीके के साथ ये फूल जाएगी मैंने चौबीस घंटे के लिए इसको रखा है और ये देखें आप स्क्रीन पर यह फूल चुकी है अंदर से बिल्कुल ये अंगूर की मानंद हो जाएगी जैसे ताज़ा अंगूर होता है तोड़कर आप लाए बिल्कुल इसी तरीके के साथ ये अंगूर की मानिंद हो जाएगी इसके जब पानी में भिगो आप रखेंगे तो उसके फायदे सौ गुना और बढ़ जाते हैं तो जैसे ही आप इंजीर इसके अंदर शामिल करेंगे तो उसको भी आपने 24 घंटे भिगो कर रखना है दोनों चीज़ों को आप पानी में डालकर ऊपर कोई प्लेट वगैरह रखकर चौबीस घंटे के लिए आपने इस पानी को भिगो कर रख देना है इस पानी के भी बहुत सारे फायदे हैं जैसे कि जो भाई वजन कम करना चाहते हैं उनके लिए ये पानी बड़ा मुफीद है उसके अलावा जिन लोगों को भूख कम लगती है या जो खाना खाने के बाद मैदे की तजाबियत जिनको मसला आता है वो अगर इस पानी को पियएंगे ना यकीन जाने कि उनकी तजाबियत इस तरह खत्म हो जाएगी कि मैं आपको बता नहीं सकता उनका मसला ये ख़त्म हो जाएगा और उसके अलावा भूख भी ज़्यादा लगने शुरू हो जाएगी भूख बढ़ाता है ये ये बड़ी कमाल की चीज़ है और ख़ास तौर पर बवासीर के लिए तो ये किसी नियमत से कम ही नहीं है जिन लोगों को खूनी बवासीर है बादी बवासीर है मौके वाली बवासीर है उनके लिए किसी नेमत से काम नहीं है वो ज़रूर इसको दिन में एक दो दफ़ा इस्तेमाल करें सबसे पहले पानी आपने किसी बाउल में डाल देना है और फिर रात को जब चौबीस घंटे बाद इस पानी को निकालेंगे तो इस तरीके के साथ कंडीशन आ जाएगी पानी की और इन दोनों चीज़ों को आपने किसी बाउल में डालकर गर्म पानी जो है ना वो इसको करना है चूल्हे पर चढ़ा देना है और ख़ूब इसको गर्म करना है यहाँ तक कि इस पानी का रंग तब्दील हो जाए जब रंग तब्दील हो जाएगा तो इस पानी को आपने उतार लेना है पानी अलग आपने गिलास में शामिल करना है और जो किशमिश होगी और इंजीर होगी उसको अलग किसी चीज़ में शामिल करते देना है रख देना है फिर इस पानी को आपने पीते रहना है और साथ साथ इंजीर और ये जो किशमिश होगी ये एक, एक टुकड़ा करके आपने खाते रहना है यकीन जाने कि अगर कोई बूढ़ा मर्द भी इसको इस्तेमाल करेगा ना बूढ़ा बंदा भी उसकी हड्डियों जोड़ों पठ्ठों में दर्द खत्म हो जाएगा उसके अंदर जिसमानी ताकत इतनी ज़्यादा आ जाएगी मैं आपको बता नहीं सकता घोड़े की मदन ताकत पैदा कर देता है उसके अलावा औरतों के लिए भी मुफीद है बच्चों के लिए जवानों के लिए सबके लिए यह टोटका बड़ा मुफीद है उम्मीद रखते हैं कि आज की यह वीडियो आपको पसंद होगी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा